ओके गेट डाउन आप एक बंदे का 600 बता रहा था चार लोग में फटाफट चलाओ 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 हेलो एवरीवन आज है डे टू ऋषिकेश का और हम यहाँ पे राफ्टिंग करने जाने वाले हैं। मैं कल ही आ गया था ऋषिकेश, आप पूरा मेरा ऋषिकेश का ब्लॉग देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। आज हम जाएंगे राफ्टिंग करने, राफ्टिंग का मैंने यहीं से बुक किया है जो राम झूला है। राम झूला का जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर ड्रॉप करता है वहीं पर साइड में आपको एक हिमालयन एक्सपीडिशन करके मिलेगा, वहाँ से मैंने राफ्टिंग बुक किया है 16 किलोमीटर्स का। मैंने स्कूटी भी यहीं से रेंट में ली थी तो मुझे अच्छे प्राइस पे मिल गया। अगर आप भी बार्गेनिंग करोगे तो अच्छे मिल जाएगा, मुझे 700 दो लोगों का मिला है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बार्गेन करना है। तो ये काफ़ी चीप डील था क्योंकि मैंने ऊपर पूछा था वहाँ पे एक बंदे का 600 बता रहा था 16 किलोमीटर राफ्टिंग का, तो ये अच्छी डील है क्या? नहीं, बहुत अच्छी डील है। तो अभी हम और ज़्यादा लोगों के तो और कम भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा लोगों तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बोल सकते हो मैंने यहीं से लिया था। तो ऐसा सीन है राफ्टिंग का। अभी बच चुके हैं तीन बच्चे का लोग और हम दो ही लोग हैं तो वहाँ पे लोग जमा कर रहे हैं, वो लोग तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और राफ्टिंग में आपका जो मोबाइल होता है वो बैग के अंदर रखा जाता है, आपको भी पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। और एक जैकेट जो आपका नॉर्मल कपड़े हैं वो आप गाड़ी के अंदर रख सकते हो। तो अभी देखते हैं कैसे आगे सीन होता है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है। मेरा सेकेंड टाइम है फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ, और तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो एक्साइटेड हो क्या? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, लग तो नहीं रहा है देख के। वो चॉपर जा रहे हैं वहाँ पे, तो चलो चलते हैं। इस सेम जगह पे उन्होंने मैंने देखा दो बंदों का 600 1 रुपये एक बंदे का लिया था और हमारा दोनों का मिला के 700 लिया है। तो ये डिपेंड करता है आप बार्गेन कैसे करते हो और आपका लुक कैसा है। हम शायद गरीब दिखते होंगे, मैं भी इसलिए दे दिया क्योंकि वो फैमिली थी और फैमिली के दो बच्चे थे तो उन्होंने 600 एक पर्सन का देखिए मैंने देखा 1200 वहाँ पे लिखा था दो लोगों का। तो यही होता है बार्गेनिंग स्किल्स। लेट्स गो। मर गए तो इसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मर सकता है तू। हाँ, सीधे मरने का टिकट है ये, टिकट टू हेल्थ। ये जूस पिया जा रहा है एनर्जी, राफ्टिंग के पहले एनर्जी एकदम कंज्यूम हो रही है। ये एक ग्लास 50 का है, 50 रुपये का है। तीन संतरा यूज़ किया गया है पूरा प्योर बिना पानी के। अच्छा लग रहा है, बहुत ही मीठा एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक। चलो बढ़िया, जल्दी पियो। तो दिस इज आवर राफ्ट, चलो राइड अपनी है। अरे जगह नहीं है क्या? आ चुके हैं शिवपुरी में, 16 किलोमीटर सेकेंड टाइम है मेरा, एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही टाइट है। पहन लो हेलमेट, हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रैपिड में गिर जाओगे तो फिर सर बचना चाहिए वरना पत्थरों से मौत भी हो सकती है। वैसे आदत है मुझे इसमें, बचपन में यही नदी में तैरता था मैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। यूपी बिहार के लोग, अभी हम इस पत्थरों वाले रास्ते से चल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है पैर में मेरे, बट यू नो इन द एंड इट्स ऑलवेज अ गुड साइन। ये हमारी गंगा नदी, हर हर गंगे। ये आ गई है हमारी सवारी, आर राइड इज़ हियर। पर चार ही लोग हैं, चार लोग में फटाफट करना भाई, जिसको जैसा करना है। एक्साइटेड मैं भी गिर सकता हूँ या पूरी बोट भी पलट सकती है। मेन क्या होता है, रैपिड में स्पीड चाहिए आपके पैडल में, जितनी अच्छी स्पीड रहेगी उतना सेफ उतना इंजॉय। अभी क्या है, बोट का फ्रंट साइड ये है, फ्रंट की पहचान आगे लंबी रोक होती है, बैक साइड है, बैक में बैठता गाइड। गाइड का काम होता है इस बोट को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना किधर जाना है किधर नहीं, पकड़ना किस तरीके से। अभी सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऊपर नीचे चार उंगले ऊपर से, दूसरा वाला हाथ ब्रेक से हल्का सा ऊपर रहेगा। पैडल को पकड़ने का तरीका प्रॉपर यही होना चाहिए, पूरा पानी में डीप करना है, बॉडी आगे लेके जानी है, दोनों हाथ सीधे बॉडी के साथ पानी को पीछे लाना है इस तरीके से, फ्रंट टू बैक। चलो हम जा रहे हैं अभी, अगर जिंदा बचे तो मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। चलो बाय बाय। हाय करेंगे कैमरे की तरफ एवरीवन। हेलो, ओके, सो आवर नेक्स्ट रैपिड इज कमिंग, रैपिड नेम गोल्फ कोर्स, ठीक है ना। पीछे जो रैपिड आए थे उनसे बड़ा रैपिड है। जब बीच में गेट डाउन का कमांड आएगा तो रस्सी को पकड़ के बोट के अंदर भी बैठना होता है जब बोला जाएगा तो, ठीक है ना, अदरवाइज फॉरवर्ड करना है, ठीक।
नहीं नहीं नहीं, इसको पकड़ के रस्सी पकड़ा बोट के अंदर। गो फॉरवर्ड अगेन, पैडल फॉरवर्ड, पास चला जा, एक साथ बैक मत ले, फॉरवर्ड मार तू दबा के, चला बैक ले अब। ओके गेट डाउन, गेट डाउन, get back. Hey, please take your seat, pass, chalao forward, agar team paddle forward, bachcha pani uchalna nahi hai aapne, very good paddle, very good, forward kar bhai, forward kar, okay, stop, relax. So, कैसा लगा रैपिड? ए ए ए चलाते रहो, चलाओ चलाओ चलाओ, ऊपर से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, सही से पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। चलाओ 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 चलाओ, ये इनको नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं गिरना है किसी पे, नहीं 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 सर, पानी बहुत गीला है, पानी तो गीला ही होता है, सूखा कब था, रेगिस्तान में मिलता है सूखा पानी। यस, बोलो गंगे भैया की जय। इस तरफ ये हर हर गंगे। चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, स्टॉप रिलैक्स, स्टॉप रिलैक्स, चलो 1 2 3 गो जंप। थ्री गो जाम, चलो करने का जाम, थ्री गो जाम, तो गाइस अपना राफ्टिंग हो चुका है, बहुत ठंडी हो गई, अभी शाम था, धूप भी नहीं थी बिल्कुल, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ठंडी हो रही है, पानी में कितना ठंडा है और बहुत ही ठंडा पानी था, ठंडियों में एक तो पानी बहुत ठंडा होता है। ये फोटो वीडियो ले रहे हैं, आ नहीं रहा है वीडियो, और वीडियो का एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, थोड़ा 1000 रुपये बोल रहे हैं, मतलब डिवाइड होता है, अगर जितने बंदे आप ज़्यादा हो गए उतने बंदे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 रुपीज़ है तो 3000 रुपीज़ है, तो जितने बंदे होंगे आप डिवाइड कर सकते हो। बाकी निकलते हैं अभी, हमने यहाँ पे कपड़े नहीं लाए, हम रूम में जाके कपड़े चेंज करेंगे, बाकी अगर आप कपड़े लेके आते हो तो यहाँ पे चेंजिंग रूम भी होता है, आप चेंज कर सकते हो, ये अपना हिमालयन एक्सपीडिशन राम झूले के पास में ही है। तो गाइज राफ्टिंग हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया मज़ा आया, बहुत सारे वेव्स थे, बहुत सारे रैपिड्स थे, और शाम तक पूरा राफ्ट हमारा टाइम वही गया, मतलब 2-3 घंटे तो पूरे दिन के वहीं चले गए, और यहाँ पे पूरा शाम जल्दी हो जाता है, तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 मतलब शाम होने लगती है 5 बजे, और 5:30-6 बजे अंधेरा होने लगता है, और वीडियोस में आपने देखा ही होगा कितना मज़ा किया हमने। तो अभी शाम हो चुकी है, शाम को हम वापस मार्केट घूमते हैं, कुछ सामान लेते हैं मार्केट से, और फिर वहाँ से खाना खा के जल्दी आ जाएंगे घर पे, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है। बस मिल गई हमको ऋषिकेश से दिल्ली, 956 है चार्ज, AC वॉल्वो बस का, उत्तराखंड टूरिज़्म,
सही बस है, आपको अगर जाना है तो एसी वाली में इसमें जाना, क्योंकि ये टाइम से ही पहुंचा देती है और इसकी सीट भी आपको ये कंफर्टेबल होते हैं, बाहर आपको पता नहीं चलेगा कैसे खड्डे आ रहे हैं ऊपर नीचे। तो आई थिंक अभी ब्लॉग एंड कर देना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर ऋषिकेश से आपको दिल्ली कैसे जाना है, आपको राम झूला से इलेक्ट्रिक वाली सवारी खरीदनी है, 20 रुपये पर सीट होगी सवारी से, हाँ सवारी नहीं मतलब 20 रुपये सवारी से चलती है गाड़ी, अगर आप ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा ही लेगा ऑब्वियसली, और अगर आपके पास सामान है तो थोड़ा बार्गेनिंग करके आ जाओ हमारे पास, हम पूरी ऑटो बुक करके आए 60 रुपये में बस, मतलब एक्स्ट्रा सिर्फ 20 रुपये उसने लिए, तो वो काफ़ी सही सीन था, आई थिंक सुबह का टाइम था इसलिए उसने कर दिया। तो यहाँ से अभी हम बस से जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली का ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दिल्ली में होने वाला है बहुत सारा धमाल, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और अलग अलग जगहों पे जो दिल्ली में हैं, अगर आप कभी दिल्ली नहीं गए और प्लान है आपके दिल्ली जाने के लिए तो ज़रूर ज़रूर चेकआउट करना और सब्सक्राइब भी करना, मैं ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स लाते रहूँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं, सब्सक्राइब आपका कमेंट ही मेरे मोटिवेशन है, लेट्स गो, पीस आउट, बाय बाय।